हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूशन जोन बाय अंशिका। चलिए क्लास नाइन्थ का हम चैप्टर 12 हीरोन फॉर्मूला कर रहे थे, 12.1 क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन अ रेशियो। साइड्स जो है ट्राइंगल की वो रेशियो में है। कौन से रेशियो में है? 12, 17 एंड 25। एंड इट्स पैरामीटर हमें दे रखा है 540 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया, हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है। और आपको मालूम है कौन से फॉर्मूले से निकलेगा ये? हीरोन्स फॉर्मूले से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले तो हम एक ट्राइंगल ले लेंगे। अब आप ध्यान रखिएगा, ये साइड नहीं दे रखी है, क्या दे रखा है हमें? ये रेशियो। तो हमें रेशियो को पहले साइड्स में बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन आपका क्या रहेगा? हमें सबसे पहले इसका कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन हमने माना, लिखा लेट द कॉमन। साइड निकालने के लिए हम ये ट्राई कर रहे हैं, कॉमन इक्वल टू एक्स। तो जो साइड हमारा रेशियो है 12x हो गया, फिर हो गया 17x और फिर हो गया हमारा 25x। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट साइड, सेकंड साइड और थर्ड साइड में काम आएगा। तो सबसे पहले तो ये साइड्स हो गई हैं हमारी, क्या हो गई हैं? 12x, 17x और एक हो गई है 25x। ठीक है, तो हमें पूरा वैल्यू निकालने के लिए साइड की एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो एक्स की वैल्यू पता होने के लिए सबसे पहले हमें पैरामीटर भी दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है? साइड यानी एक साइड, ये सेकंड साइड और ये थर्ड साइड, इनका प्लस कर दोगे तो हमारा पैरामीटर निकल जाएगा। तो आपको पैरामीटर दिया हुआ है कितना? 540 सेंटीमीटर इक्वल टू फर्स्ट साइड हमने क्या ले ली? 12x, सेकेंड साइड 17x और थर्ड साइड हमने ले ली 25x। तो इन तीनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 25, 17 और 12, ये 54x। ठीक है, 54x और यहाँ पे आ जाएगा ये 540 सेंटीमीटर तो है ही। अब यहाँ पे x तो यहीं रहेगा और ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे जाके किस में हो जाएगा? डिवाइड में। यहाँ पे मैंने 54, इससे हमारा क्या निकल जाएगा? x निकल जाएगा 54 और ये इसका डिवाइड देंगे हम, क्या निकलेगा? 10 सेंटीमीटर। तो हमारा x क्या निकल गया? 10 सेंटीमीटर। अब हम साइड्स निकाल सकते हैं अपनी, प्रॉपर साइड्स। ये तो हमारी हमारे कॉमन मल्टीपल के साथ थी ना, हम प्रॉपर साइड निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगी a, यानी कि पहली साइड हमारी क्या थी? 12x। तो 12 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है हमारी? 10, तो क्या हो गया? 120, ये सेंटीमीटर में लिख सकते हैं अब। तो b यानी कि सेकेंड साइड हमारी, वो होगी 17x इक्वल टू 17 इंटू 10 इक्वल टू 170 हो जाएगा सेंटीमीटर। थर्ड साइड हमारी है 25x, तो 25 इंटू 10 ये हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। तीनों साइड हमें मालूम पड़ गई है। अब तीनों साइड मालूम पड़ गई है तो हमें सबसे पहला स्टेप होगा सेमी सर्कल निकालना, सॉरी सेमी पेरीमीटर निकालना। सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा, उसके बाद हम हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेमी पेरीमीटर निकालना। सेमी पेरीमीटर, मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगी, सेमी पेरीमीटर का शॉर्टकट नहीं बताने वाली, क्योंकि ये ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है। सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन क्या होता है? 2। ठीक है, तो ए हमारा क्या निकला था? 120 प्लस बी हमारा 170 और सी हमारा 250 अपॉन में हमारा 2। तो इनको सॉल्व करेंगे, 120, 170 और 250, इसको प्लस करने पर हमारा आएगा 5402। आपको सिंपल सा यहाँ पे पता चलेगा, a प्लस b प्लस c क्या था हमारा? 540। तो हमने 540 लिखा और अपॉन में 2 लिख दिया, यानी कि s, ये सेमी सर्कल हम निकाल रहे हैं, इक्वल टू कितना रहेगा? इसका डिवाइड देंगे तो क्या आएगा हमारा? 270 सेंटीमीटर। सेमी सर्कल हमने, सॉरी सेमी पेरीमीटर हमने निकाल लिया है। तो अब हम सीधा क्या करेंगे? हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैं लिखती हूँ बाय हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या है हमारा? एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, क्या निकलेगा हमारा? एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू, अब हम s तो हमारा क्या है? 270। ठीक है, 270, s हमारा क्या है? 270 और माइनस करेंगे a, यानी कि फर्स्ट साइड 120। ठीक है, फिर है हमारा
270 तो है ही, सेकेंड साइड हमारी 170 है, फिर थर्ड साइड हमारी है 250, ये मैंने लिख दिया। सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी हैं। अब हम सॉल्व करते हैं। 270 यहीं रहेगा, 270 में से 120 माइनस किया 150 इंटू 270 में से 170, ये तो 100 ही आ गया। 270 में से 50 माइनस करेंगे कितना आएगा, 250 माइनस करेंगे 20। इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पर हमारा आएगा 81000000, ठीक है। 81 आपको पता ही है किसका होता है स्क्वायर, 9 का, तो हम इससे फाइंड कर सकते हैं ये किसका होगा स्क्वायर, 9 का, 9। और ये पेयर में है हमारा 1, 2 और 3, तो कितने जीरो लग जाएंगे, 1, 2, 3, ठीक है। ये हमारा क्या निकला, एरिया निकल गया। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, एरिया को स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन, यानी कि फाइंड इट्स एरिया ही निकालना था, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, इससे मुझे आगे बढ़ने में हेल्प मिलेगी। थैंक यू।